परोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये दम तब तक रहेगा जब तक हम ये जंग जीत नहीं जाते। बस फर्क इतना है कि कल ये जंग अंग्रेजों से थी और आज ये जंग एक महामारी से है। सालों पहले हमने एक सपना देखा था, सपना था देश की आजादी का। आज सपना देख रहे हैं देश की रिहाई का, रिहाई इस महामारी से, रिहाई उन सारे बंधनों से जिससे आज हर भारतीय मुक्ति चाहता है। 75 साल पहले दुश्मन हमारे सामने थे, आज दुश्मन सामने है, पर न तो हम उसे पहचान पा रहे हैं और न ही उसे अपने अंदर आने से रोक पा रहे हैं। आज तारीख है 15 अगस्त 2021। आज से ठीक 75 साल पहले देश में आजादी का डंका बजा था। आजादी थी 100 सालों के ब्रिटिश राज से। आज का दिन हर एक भारतीय को आजादी की उस भूख की याद दिलाता है जिसके लिए न जाने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी गई, कितने ही बलिदान दिए गए। मगर आज फिर से एक और लड़ाई हमारे सामने है जिसने किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को ही अपनी कैद में ले लिया है। महाराष्ट्र के एक रेसिडेंट डॉक्टर जो सिर्फ 28 साल के थे, कर्नाटक की वो 34 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट डॉक्टर जो कि खुद 5 महीने की गर्भवती थी, बिहार के एक 80 साल के डॉक्टर, तेलंगाना के 96 साल के रेडियोलॉजिस्ट, ये पैंडेमिक के वो डॉक्टर्स हैं जो इस कोरोना की जंग में शहीद हो गए। मगर ये उन कई डॉक्टरों में से सिर्फ कुछ नाम है जिनकी शहादत के बारे में हमें पता तक नहीं। अगर आंकड़ों में जाएं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जारी किए रिपोर्ट में सिर्फ दूसरी लहर में ही 800 डॉक्टरों की मौत इस कोरोना काल में हो चुकी है। डॉक्टर्स को हम वॉरियर्स कह रहे हैं, इस कोरोना से आज़ादी के वॉरियर्स, मगर अब सेव द वॉरियर्स की घोषणा करने की जरूरत आन पड़ी है। स्वतंत्रता की लड़ाई उस समय जितनी लंबी थी, आज कोरोना की लड़ाई भी उतनी ही लंबी चल रही है। उस समय जैसे जी जान लगा दी थी सेनानियों ने इस आज़ादी के लिए, आज भी कोरोना वॉरियर्स इस कोरोना से लड़ाई के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं। और आज हमारे साथ कुछ वैसे ही डॉक्टर्स, कुछ कोरोना वॉरियर्स हैं जिनके बारे में, इसके बारे में हम कुछ उनसे बात करेंगे। तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि 75 साल पहले वो जो एक इंडिपेंडेंस वाला माहौल था उस समय जो लोग लड़ रहे थे, आज जो है कोरोना का माहौल है, 2 साल से लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, और आप जैसे और भी डॉक्टर जो सारे कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने आए, तो उनका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, निश्चित रूप से ये 2 साल से जो हमारे डॉक्टर कोरोना से जो जिस टाइप से लड़ रहे हैं और जो भी पॉजिटिव केसेस ये सब रहा, वो काफ़ी बेनिफिटेड रहा, इसमें कोई नौमत नहीं है। और निश्चित रूप से इस पीरियड में हमारे डॉक्टर जो मेन वॉरियर रहे, वो निश्चित रूप से समाज को के लिए काफ़ी ये रहे, जो बहुत लोग बचे इससे। और मैं ये कहना जरूर, पर्सनल बेसिस पे भी उसको फील करना कैसा रहता था? देखिए, इस समय हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, सारे लोग एकजुट होकर के उस बीमारी को पहचानना और उसका इलाज करना, उससे लड़ना। आपने जो बोला कि पहले जो दुश्मन आते थे प्रत्यक्ष होते थे, उनसे लड़ना आसान होता था, ये जो दुश्मन है अप्रत्यक्ष है, उसको केवल भाप करके उस पर वार करना है और उससे मुक्ति दिलाना है। और हम उम्मीद करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर कि सारे लोग इस जो दुश्मन है उससे स्वतंत्र हों और स्वस्थ रहें। सर, यहाँ इस समय जो कंडीशन होती है वो काफ़ी वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि जो पेशेंट है उनको भी आप देखना, और उससे जिनके रिलेटिव्स रहते हैं या फिर ऐसे कई रिलेटिव्स, एक अगर पेशेंट है उनके 5 रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, उनको हैंडल करना, ये सब चीज़ें एक, क्योंकि एक कैसे थे, एक और रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे ले जाती है और मुश्किल हमारी बढ़ा देती है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करें? देखिए, इसमें हम लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया, इसलिए कि लोग आते थे उनके साथ बहुत से अटेंडेंट रहते थे, समझाने पर भी वो लोग नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के प्रयास से अब उन लोगों को ये ज्ञान हो गया है कि इसका बचाव ही इसका सुरक्षा है। अब ज़्यादा लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है,
सभी लोग मास्क लगाते हैं, दूरी मेंटेन करते हैं, और इससे हम लोगों को अपने कार्य में भी सफलता मिली है और धीरे धीरे इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। डॉक्टर के नाते आपसे मेरा सवाल यही रहेगा मैम कि ये जो जंग अभी 1.5-2 सालों से चल रही है, इसे क्या हम जीत पाएंगे? बेशक कंट्रोल तो कर पाएंगे, जो भी सरकार एहतियात बरतने कह रही है, जो भी डॉक्टर्स के द्वारा दिशा दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस तरह से मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो इन सब का पालन होना चाहिए और हर एक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। कोई सपोज मास्क बगैर पहने तो उसको बिल्कुल उसके अगल बगल के लोग को भी इतना कहना चाहिए कि भैया मास्क लगा लो, थोड़े दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, ये होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के साथ मिलके ही चलना होगा, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। मैम आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इस इंडिपेंडेंस डे पर जो हमारी ये दूसरी लड़ाई चल रही है कोरोना से, उसको लेकर के एज अ डॉक्टर हमारे ऑडियंस को क्या संदेश है? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बीमारियों की तरह ये भी बीमारी है और ये भी दूर होगा, बशर्ते कि हम लोग उचित जो मापदंड है उस पे चलें, जो सरकार द्वारा वैक्सीन का प्रोविज़न है वैक्सीन ज़रूर लगाएं, उसके लिए लोगों के मन में भ्रांतियां हैं वो दूर करें और सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाना हो या फिर बीमारी के समय तुरंत अपना इलाज कराने जाना हो, तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे इंडिपेंडेंस डे पर मेरा यही है कि इस बीमारी से भी हम लोग मुक्त हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एक दिन आएगा कि हमारा मास्क उतर जाएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। ये एक हमारी आशा है कि ये जो मास्क है हमारा, कोरोना शुरू होने के कारण जो मास्क हमारे चेहरों पर लग गया है, वो एक दिन ज़रूर हट जाएगा। जैसे हमने स्वतंत्रता का एक सपना देखा था कि हमारा देश एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा, खुले आसमान में बाहर निकलेगा, उसी तरह आज एक और हमने सपना देखा है कि इस कोरोना की जो लड़ाई है इससे आज़ाद हो जाएगा हमारा देश और मास्क फ्री हो जाएगा। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी है आज उसका रंग सफेद हुआ। वहीं 4 महिला पुलिस कर्मियों सहित दिल्ली पुलिस के कम 42 कर्मियों ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा दी और पिछले एक साल में कोविड-19 के कारण कुल 77 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। इन हालातों ने भी उन बाकी जवानों को टस से मस नहीं किया, सामने चाहे कोई भी हो। कभी तो हम खुद भी उनके विरोध में खड़े हुए, मगर वो डटे रहे। हर साल हम उन सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश में क्रांति ला दी थी, मगर आज हम याद दिलाएंगे उन सेनानियों की जो क्रांति ला रहे हैं। क्रांति देश को बचाने की, क्रांति देश को फिर से आजाद करने की। वो लड़ाई 100 सालों की थी और ये लड़ाई भी कम नहीं है। शहादत तभी भी हुई थी और हजारों जाने आज भी जा रही हैं। तो चलिए इस कड़ी में आगे हम बात करने वाले हैं उन कोरोना के वॉरियर्स से जिन्हें आपने सड़क पर देखा होगा मास्क चेकिंग करते हुए, तो कभी लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस की, तो चलिए आज इन्हीं पुलिस से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जब पूरे देश में एक दिन आया था कि लॉकडाउन की घोषणा की गई थी कि आज से पूरे देश में लॉकडाउन होगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो उस समय क्या माहौल था, आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे? देखिए उस वक्त बहुत ही डर और असहजता की स्थिति थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को लगा कि अब ये लॉकडाउन है, पहले ना कभी देखा गया, ना सुना गया, ना हमारी पीढ़ी ना हमसे पहले की पीढ़ी। तो एक नई चुनौती थी जिसके लिए लोगों को मानसिक रूप से भी तैयार करना था और शारीरिक रूप से भी लोगों को सक्षम बनाना था। ऐसी स्थिति में पुलिस की जिम्मेवारी बढ़ जाती है,
लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं और झारखंड पुलिस का अपना जो लोगो है हमारा है वो है सेवा ही लक्ष्य। तो इस सेवा ही लक्ष्य को पाने के लिए हम लोगों ने आम लोगों से हम लोग जुड़े और जो भ्रम की स्थिति थी, जो डर की स्थिति थी, वो हमने लोगों के साथ मिलकर काम किया कि लोग इनसे बाहर निकले और एक सामान्य सी जिंदगी जीने का प्रयास करें। और जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें लोग घरों में रहें, अपने बाहर के लोगों से नहीं मिलें, दूरी बना करके रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और शारीरिक मानसिक हर एक स्तर पर लोगों को मदद। आपने जैसा कि कहा कि सेवा ही लक्ष्य एक पुलिस के तौर पर आपका कर्तव्य है, लेकिन बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आई होंगी कि इन आम लोगों ने ही आपको अपोज किया होगा, उनको भी टैकल करना, वो कैसी सिचुएशन रही? देखिए, जब एक बार आप समाज के लिए काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों में भ्रम की स्थिति थी, जानकारी का अभाव था, जिसके कारण लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन हम लोग अंततः उनको समझाने में ये सफल रहे कि आप एक कड़ी हो सकते हैं कोरोना फैलने में, इसको अगर आप तक रुक जाएगा तो आने वाले कई लोगों को इससे बचाया जा सकता है। मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा सर कि अगर पर्टिकुलरली रांची की बात करें तो यहाँ पर पूरे देश के कंपैरिजन में काफ़ी देरी से यहाँ पर कोरोना के केसेस आना शुरू हुए थे और जब आए तो एक बहुत ही बोलते भय का माहौल, जैसे सर ने भी कहा, वो बन गया था और हिंदपीढ़ी जैसे इलाकों में केसेस आना शुरू हुए, उस समय सिचुएशन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, इनमें आपका क्या रोल था उस समय, क्या माहौल? जैसे अभी सर ने बताया कि हमारा काम ही है, सेवा ही लक्ष्य है, तो हम लोगों ने पहले ही अपना माइंडसेट तो हम लोग पहले ही कर लिए थे, भय तो थोड़ा हम लोग में भी था लेकिन पहले ही माइंडसेट था और हम लोग का काम ही था कि सेवा करना। और उस बीच में हिंदपीढ़ी एरिया मेरा पड़ता है लेक रोड, थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें हुआ क्योंकि लॉकडाउन सबसे पहले वहीं लगा था रांची में, तो वहाँ सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, लोगों के पास जाना, छोटी छोटी चीज़ें जैसे दवा पहुँचाना, तो ये सब काम हम लोग लगातार करते रहे। लोगों का रिस्पॉन्स उस समय कैसा था? लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं आया, वैसा कुछ दिक्कत नहीं आया, लोगों को समझाने पर समझ जाते थे, वो भी समझे, अचानक एक नई बीमारी आई थी, थोड़ा समझने में समय लगा पर वो समझ गए। जब ये कोरोना वायरस आया था यहाँ पर, तब लोगों को जैसे ये एश्योर करना कि वो घर में रहे ताकि वायरस उन तक ना पहुँचे, लेकिन आप लोग वहाँ पर बाहर थे तो क्या आप भी उस समय कोरोना से ग्रसित हुए थे? जी हाँ, हम लोगों के भी थाने परिसर में जितने भी लोग थे वो सभी लोग कोरोना मतलब पॉजिटिव हो गए थे, और रहने के बावजूद भी हम लोगों ने भी रास्ते पे रह करके लोगों का सेवा किया, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन सभी को और भी जो चीज़ मुहैया करवाना है वो हम लोगों ने सारा चीज़ करवाया, तो हम लोग भी जो है जो हमारा जो लोगों है सेवा ही लक्ष्य उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा जितना भी हो सका उतना सहयोग किया अपनी तरफ से। जैसे जैसे ये पीरियड बढ़ता गया उसके बाद लोगों में एक चेतना आ गई कि हमको इससे बचना है और मदद करनी है समाज के लिए। एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि जो एक कंसेप्शन लोगों के मन में था पुलिस को लेकर के, वो धारणा जो उनकी बदली है, एक मानवीय चेहरा जो होना चाहिए था पुलिस का, जो हमेशा से होता है झपा रहता था, वो इस बार सामने आया है। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों की मदद की, बहुत सारे लोग आए धन्यवाद कहा, तो अंतरात्मा में ये खुशी महसूस होती है कि हमने कुछ किया समाज के लिए। मैं, मेरे सारे पदाधिकारी, सभी हम लोग इससे कोरोना से ग्रसित हुए लोगों से मिलने के दौरान हम लोग हॉस्पिटल भी गए, बीमार भी रहे, ठीक हुए, फिर आकर के हम लोगों ने यही किया। हमारा यही कहना है कि अभी भी ये खतरा टला नहीं है, तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें और जो आने वाली तीसरी लहर है उससे बचें। अभी एक यही कह सकते हैं कि जितनी भी कोशिशें की गई हैं पुलिस के द्वारा अभी तक जो भी हैंडल आई है सिचुएशन को, उसको इसी तरीके से एक ही शर्त पर कंटिन्यू किया जा सकता है कि हम अभी भी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। हमारे साथ एक समाजसेवी हैं जो यहीं पर, उन्होंने पुलिस की बहुत मदद की है। तो सर, जैसा कि सर बता रहे थे कि शुरू में हैंडल करना दिक्कत हो रहा था, उसके बाद जैसे लोगों को समझ में आया और फूड वगैरह की रिक्वायरमेंट भी बहुत हो रही थी, तो उस समय आपका क्या रोल प्ले रहा और आपने क्या माहौल यहाँ पर देखा? देखिए, शुरुआत में ही एक डर का माहौल था, जैसे
सर ने बताया कि एक डर का माहौल था कि कोरोना और एक नई बीमारी का, जैसे सभी लोग जानते नहीं थे इस पे, हम लोग भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन हमारे पुलिस, हमारे समाज के दूसरे वर्ग जो है स्वास्थ्य कर्मी और बढ़ के आए और हमें बताएं कि किस तरह आपको डरना नहीं है और धीरे धीरे साथ चल रहे हैं। हमने भी इनके साथ कर, जितने भी जैसे जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, जिनके पास कहीं उनके दवाई की व्यवस्था नहीं थी, इनके सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने सभी को खाना और वो व्यवस्था करवाया। और इनका बहुत बड़ा रोल रहा उस समय कि जब भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, जैसे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, पुलिस का अहम रोल था। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनका मतलब धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग को समझाएं कि मतलब आपको लड़ना है और कैसे बाहर को भी देखना है, ताकि आप लोग लॉकडाउन का भी पालन करें और गरीबों का भी सेवा करें, जिनके पास भोजन नहीं पहुंच पा रहे, जो लोग बाहर से आ रहे हैं और उनको जैसे कि अपने घर तक पहुँच सके, तो वो लोग भी कैसे हम लोग कर सके। बहुत जो चीज़ें हैं वो हम लोग को पुलिस प्रशासन से मदद मिली और हम लोगों ने कर पाए। तो एक चीज़ कह सकते हैं हम लोग की, पहले एक छवि बनी हुई थी पुलिस की कि जब कोई अपराध होता है, कहीं पर दंगे होते हैं, तब हमारा पुलिस से आमना सामना होता है। लेकिन इस कोरोना जो ये काल आया था, इसके बाद पुलिस की छवि कहीं ना कहीं बदल गई, क्योंकि पुलिस ही वो थी जो सड़क पर उतर रही थी, लोगों को रोक रही थी कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे में ना फैले। एक मदद की जो कहते हैं मदद का हाथ है जो पुलिस ने बढ़ाया था, बिल्कुल अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, और जैसा कि सभी यहाँ पर पुलिस ने कहा, सेवा ही लक्ष्य है, इसी का यहाँ पर उन्होंने पालन किया और बन गए हमारे कोरोना वॉरियर्स। ये भगवान भी थका, निराश हुआ, मगर रुका नहीं, चलता रहा जब तक उसकी सांसों ने जवाब नहीं दे दिया। तुम ही हो वो जिसने इस लड़ाई में अगुवाई की है, मगर ये लड़ाई अभी बाकी है, दुश्मन पर जीत अभी बाकी है, और यकीन मानिए इस लड़ाई में भी जीत हमारी ही होगी। जय हिंद।